हाय गाइस, माय नेम इज रेहान, वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, ये है कैनन EOS R50, माय फर्स्ट कैमरा जो कि मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है यूट्यूब वीडियोज़ के लिए। तो आज मैं करने वाला हूँ इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू, और इसके फीचर्स और जो भी मेरा फर्स्ट कैमरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कैनन का ये कैमरा दो वेरिएंट्स और दो कलर में आता है, ब्लैक एंड वाइट विथ सिंगल किट लेंस एंड डबल किट लेंस। तो मैंने सिंगल किट लेंस परचेज़ किया है विथ वाइट कलर। तो दोस्तों, ये कैनन का बेस्ट बजट ट्रेंडिंग कैमरा है आज की मार्केट में। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलता है। फर्स्ट तो हमें मिलता है इसका यूज़र मैनुअल, जो कि काफ़ी यूज़फुल है बिगनर्स के लिए। और फिर हमें मिलता है इसके साथ इसका वारंटी कार्ड, 2 इयर्स वारंटी कार्ड। और फिर हमें मिलता है इसका कैमरा स्ट्रैप, जो कि काफ़ी यूज़फुल है बिगनर्स के लिए। जब हम फर्स्ट कैमरा यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है हमें कैमरा बैलेंसिंग के लिए। फिर इसके बाद हमें मिलता है इसका चार्जर, और साथ में मिलता है इसका ये चार्जिंग केबल जो कि हमें इस कैमरे के साथ मिलता है। फिर दोस्तों, इसके साथ हमें मिलती है एक बैटरी, जो कि मैंने अभी कैमरे में लगाया हुआ, मैं इसी कैमरे से भी शूट कर रहा हूँ। तो हमें इसमें मिलती है LPE 17 1400 mAh की बैटरी, हमें इसके साथ मिल जाती है। तो इसके बाद आती है इसकी लेंस, इसकी किट लेंस, ST 18-45 mm STM किट लेंस हमें इसके साथ देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी किट लेंस है। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा लेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये भी काफ़ी यूज़फुल किट लेंस दी गई है इसके साथ, और काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट किट लेंस है। इसको हम ऐसे ओपन भी कर सकते हैं, और सबसे बढ़िया बात इसकी ये है कि हम इसको ऐसे यहाँ पे इसको लॉक भी कर सकते हैं, तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाती है लॉक होने के बाद में। फिर दोस्तों, हमें मिलते हैं इसकी बॉडी, कैमरा बॉडी, जो कि मैं अभी उसी कैमरा से शूट कर रहा हूँ विथ अनदर लेंस। और ये है इसकी कैमरा बॉडी, जो कि आती है RF माउंट के साथ, जिसका फ़ायदा ये है कि हम इसके साथ कोई भी RF लेंस यूज़ कर सकते हैं, महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती। इसके लिए हम अलग से अडाप्टर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके फीचर्स की बात करूँ तो इसमें 24.2 मेगापिक्सल क्रॉप सेंसर विद डिजिट एक्स इमेज प्रोसेसर हमें मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है। और साथ में हमें ये डेडिकेटेड फ्लैश भी मिल जाता है, जिससे हम लो लाइट कंडीशन में आसानी से शूट कर सकते हैं। बटन्स की बात करूँ तो हमें ये ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, फिर ISO बटन मिल जाता है, मोड चेंज का बटन मिल जाता है, इससे हम मोड चेंज कर सकते हैं। फिर ये शटर स्पीड बटन मिल जाता है, फिर हमें ये नीचे मेन्यू बटन मिल जाता है, फिर और डेडिकेटेड फंक्शन बटन मिल जाते हैं, और फिर ये वीडियो रिकॉर्डिंग बटन मिल जाता है। और फिर फोटोग्राफी की बात करूं तो इसमें हमें बहुत सारे फिल्टर्स भी मिल जाते हैं, ऑटो मोड में आसानी से विदाउट सेटिंग हमें शूट कर सकते हैं। फिर इसकी और एक खास बात बोलूं तो इसमें हम एस्पेक्ट मार्कर का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे हम फ्रेम रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक के अकॉर्डिंगली। साथ में हमें ये सेल्फ पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे हम सॉफ्टनेस बैकग्राउंड ब्लर आसानी से सेट कर सकते हैं।
वीडियोग्राफी की बात करें तो एक्चुअली ये एक वीडियो ओरिएंटेड कैमरा है जिसमें वीडियोग्राफी पर ज़्यादा फोकस किया गया है, जो कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें हम 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS विदाउट क्रॉप, और साथ में हमें कोई वीडियो रिकॉर्डिंग लिमिट भी नहीं मिलती, जो कि कैनन के कुछ पुराने कैमरा में मिल जाती थी। अप टू 2 hours हम आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। फुल HD स्लो मोशन वीडियोस भी शूट कर सकते हैं अप टू 24 FPS तक। वीडियोग्राफी में भी हम एस्पेक्ट रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट फीचर जो है इसका वह है वर्टिकल वीडियो शूट, जो कि हम इसको बस ऐसे वर्टिकली पकड़कर शूट कर सकते हैं। मेरा ये फर्स्ट कैमरा एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा रहा इस कैमरा के साथ, क्योंकि ये बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली यूजफुल कैमरा है और काफी बजट फ्रेंडली भी है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा और यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।